थ्री पॉइंट सिक्स है मतलब कि आपके जो बुक का चैप्टर नंबर थ्री है इसमें सेक्स नंबर एग्जाम्पल है सो इन दैट एग्जांपल यू कैन सी कंसेप्चुअल एग्जाम्पल है कि यहाँ पर एक है खातून है वो एक वैगन पे बैठी हुई है एंड शी हैज़ ए बॉल इन हर हैंड्स कि उस बॉल को वो क्या कर रही है ऊपर की तरफ वो पेंक रही है तो यहाँ पर हमारे पास हमने क्लाइंट को शेय किया हुआ है

उस गेंद को वो पकड़ रही है ठीक है सो ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन है कि बाल को वो एक प्रोजेक्टाइल बात में वो फेंक रही है और आगे जाके उसको उसी वैगन में वो केच कर रही है इसमें हमारे पास इनिशियल कंडीशन में वैगन इज अ रेफरेंस फ्रेम लेकिन ये वाली जो कंडीशन है इसमें है ग्राउंड इज अ रेफरेंस फ्रेम ये हमारे पास पर्टिकुलर एक डिमॉन्स्ट्रेशन है और आ, फिर हमारे पास क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन की पर्टिकुलर डिमॉन्स्ट्रेशन है हमारे पास और फिर दूसरी हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगेन वी हैव व्हाट वी हैव द प्रोजेक्टाइल मोशंस कैन दैट प्रोजेक्टाइल मोशंस वी हैव रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सो व्हाट इज मीन रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज बेसिकली द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिफोर रिटर्निंग टू द ग्राउंड ठीक है दैट इज ड्राइव अ फार्मूला फॉर आर यहाँ पर यह मतलब क्या है ये मैक्सिमम हारिजेंटल डिस्टेंस है मतलब यहाँ से ऑरिजन से लेकर ये फाइनल पोजीशन पे जहाँ पर बॉल जमीन के साथ टकराती है तो ये जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करती है आ, मतलब उसी टोटल डिस्टेंस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है आ, कि ये हमारे पास आ, आ, प्रोजेक्ट प्रोजेक्टाइल की रेंज है तो यहाँ पर वो कंडीशंस है ये देखें मुख्तलि एंगल्स के साथ हम प्रोजेक्टाइल्स को वो पेंक रहे हैं दूसरी कंडीशन में हमने जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट uh, है वर्टिकल uh, डिस्प्लेसमेंट है हम कह रहे हैं वो जीरो है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। एक एंगल थीटा पे हम बॉडी को या प्रोजेक्टाइल को वो पेंक रहे हैं ठीक है सो हमने यहाँ पर क्या करना है प्रोजेक्टाइल सो रेंज अगेन हमने कहा था कि ये क्या है

so in such a condition we have to use uh, x component uh, that is equal to uh, the initial x component of the velocity similarly the displacement uh, is equal to the initial component of the uh, horizontal velocity multiplied by the time and in such a condition we say the y components due to projectile wo move, karriye, baat hai. Motion the y component of the velocity

पहले केस में हमने क्या करना है कि टाइम uh, को फाइंड आउट करना है और कंडीशन हमारे पास ये है कि जब हमारे पास वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो तो उसी कंडीशन में हमने टाइम को फाइंड आउट करना है सो फॉर दैट व्हाट एक्चुअली वॉन्ट टू डू वी है इस इक्वेशन में हमने y को क्या करना है y को जीरो पुट करना है सो वी गेट दिस रिलेशन ठीक है ये वाले रिलेशन है अब इसमें मजीद पुटिंग uh, करें के दिस दैट ऑफ कोर्स एंड अब इससे आप क्या करें इससे आप ये टी की वैल्यू निकाले ठीक है एडिशन करें वैल्यूज़ को एक साइड पे दूसरे साइड पे वो लेके जाए यहाँ पर टी कामन ले ले तो एक टी काम खत्म हो जाएगा जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके फिर दूसरी टी को इस साइड पे लेके जाए फिर दोनों साइड को भी नॉट पे डिवाइड करें और uh, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा सॉरी uh, 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 ये इसी साइड पे रह जाएगी जी को uh, दूसरे साइड पे रह जाएगा तो दोनों साइड को जी पे डिवाइड करे गेट द वैल्यू फॉर इज इनिशियल कंपोनेंट इनिशियल वाई कंपोनेंट ऑफ दिलासिटी तो ये हमारे पास ये टाइम आ गया टाइम की वैल्यू आ गई नाओ पुट दिस फार्मूला ठीक है अब x फार्मूला क्या है जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है कि हमारे पास इनिशियल uh, कंपोनेंट्स अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसमें यहाँ पर ये t की वैल्यू आप पुट करें सो t की वैल्यू ये वाली वैल्यू उठा के इधर पुट करें सो यू विल गेट x vx0 एंड 2 vy0 g

के बाय नॉलेज ऑफ द ट्रैगनोमैट्री जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि वी एक्स नॉट जो है ये क्या है इनिशियल्स एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है तो ये हमारे पास बराबर है ट्रैगनोमैट्रिक रेशो के अतबार से वी नॉट कास थीटा नॉट सिमिलरली वी वाई नॉट बराबर है वी नॉट साइन थीटा नॉट के बराबर तो यहाँ पर इधर ये वाले वैल्यूज पुट करें सो यू विल गेट द रिलेशंस अब ये वाले जो हरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट uh, है या रेंज है दैट विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर रिलेशन अब यहाँ पर ये जो रिलेशन आ रहा है टू साइन थीटा नॉट एन टू कॉस थीटा नॉट ये एक ट्रेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि हमारे पास बराबर है साइन टू थीटा नॉट के तो ये वाली जो पुल रिलेशन है ये वाली इसकी जगह पर हम साइन To uh, कर रहे हैं बाय आइडेंटिटी तो ये हमारे पास एक फुल रिलेशन जाएगी फॉर द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मतलब ये हमारे पास क्या है कि दिस इज बेसिकली द द फॉर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया सो वेन यू आर आज टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल सोरोक्टाइल के लिए इनिशियल वी और जो एंगल थीटा है

Uh, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका पता है हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू मीटर पर सो उसके लिए अब यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास एक सिचुएशन uh, वो बन रही है सो so, वर्टिकल और हेजेंटल कंपोनेंट ऑलरेडी हमारे पास वो आ गए सो so, हम अपने प्रूव कैसे करना है के प्रोजेक्ट इज फेरा बोला के हमें uh, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल, आई मीन इट्स वेरी दिस एग्जांपल कि जो भी एग्जांपल हम देखते हैं तो है। so, प्रोजेक्टाइल uh, है, क्या है वो एक पैराबोला है सो so, हम इसको कैसे प्रोसीड करें कैसे फाइंड आउट करेंगे मतलब ये हम एक पैराबोला uh, की इक्वेशन की तरफ जाएंगे तो so, आपको पता है कि के लिए हमारे पास रिलेशन क्या है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है सो दीज आर द रिलेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ठीक है सो नोट दैट द सेम टाइम टी एंटर बोथ कि दोनों इक्वेशन में बिल्कुल एक ही टाइम्स uh, मतलब वो इंक्लूडेड है सो एलिमिनेट टी टू गेट वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अब इन दोनों इक्वेशंस में से हमने क्या करना है टी को एलिमिनेट करना है ठीक है और हमने क्या करना है हमने y को फाइंड आउट करना है एज अ फंक्शन ऑफ x मतलब इन से हमने हमने t को करना करना है है और हमने y की value find out करना है as a function of x तो उसके लिए हम क्या करें वी uh, फॉर uh, t सो दैट इज ये वाली जो इक्वेशन है इसके लिए हम t को t की वैल्यू निकालेंगे सो so, t इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वी एक्स नॉट ठीक है ये वाली वैल्यू आप दूसरी क्वेश्चन में पुट करें यहाँ पर यह वैल्यू जो टी की है यहाँ पर पुट करें सो वी गेट दिस रिलेशन ये वाली रिलेशन हमारे पास आ गई है ठीक है या थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई करें सो यहाँ पर देखें वी हैव दिस एज एक्स कंपोनेंट माइनस ये देखें वन वू जी और वी एक्स नाट होल स्क्वेयर और यहाँ पर जो एक्स है दैट इज होल स्क्र अब ये देखे ये हमारे पास क्या है और ये क्या है अब जो आ, हमारे पास जो पोरा बेला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू ए कैपिटल a इन टू एक्स माइनस बी कैपिटल बी इन टू अब यहाँ पर देखें सो so हेयर अगर हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पोरा के साथ तो हेयर a करिस्पॉन्ड टू दिस पर्टिकुलर टर्म एंड देन वी हैव x माइनस

फिर यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जो बुक के अंदर सोल्व भी है और आपने थोड़ा सा इसको देखना है एग्जाम्पल में है कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ड्रॉप सप्लाई ठीक है और यहाँ पर मुख्तलि कंडीशन है कि उसको हमने क्या करना हेलीकॉप्टर के थ्रू रेस्क्यू करना है मतलब एक बॉडीज को तो उसके लिए मुख्तलि कंडीशन है और उस कंडीशन के मुताबिक हमने क्या करनी है हमने कुछ फाइंडिंग uh, करनी है और वही फाइंडिंग आपने जो प्रीवियस नॉलेज है जो हमने डिस्कस की है यू हैव टू यूटिलाइज दिस नॉलेज एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन सिमिलरली फिर हमारे पास एक प्रॉब्लम है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के हमने कहा था कि ए बॉल इज़ रोलिंग ऑन द टेबल और फिर टेबल से हम क्या करें एक बाल रोल करके नीचे गिर रही है तो उसके लिए हमने मुख्तफ़ किस्म की फाइंडिंग की थी सो यू हैव टू यूटिलाइज दैट कंसेप्ट एंड वे दैट यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर थर्टी वन

ठीक है ये कंडीशन दिया गया है uh, इस कंडीशन में यहाँ पर है स्टोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ठीक है यहाँ पर स्टोन फेंका जा रहा है ठीक है सो वट एक्चुअली दे दे आर आर आस्किंग आस्किंग यू यू टू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इज द स्टोन एन द्लाइट कि कितने देर तक स्टोन जो है वो प्लाइट में है हवा में है बी में है वट इज द स्पीड ऑफ द स्टोन जस्ट बिफोर द ग्राउंड कि आपने जो स्टोन है उसकी स्पीड को फाइंड आउट करना है इससे पहले कि ये ग्राउंड को टच करें ग्राउंड को टच करने से पहले आपने इसको स्पीड को फाइंड आउट करना है और बिल्कुल इसी तरह है कि स्टैंडर्ड एक्सप्लोरर है उस पर एक प्रॉब्लम है कि रेस्क्यू ड्रॉप अ पैकेज ऑफ Uh, Ratio to uh, a strand in party of explorer as shown in the figure. So, if the plane is traveling horizontally at uh, initial velocity 42 meter per second at a height equal to uh, 106 meter above the grounds, so where does the package strike the grounds relative to the point at which it is released? Okay, so calculate karni calculated. This, okay, data either so that's all we have for this lecture again thanks for watching i'll see you in next lecture